हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस आज तारीख हो चुकी है 22 नवंबर 2022 और हर रोज़ की तरह हमारे सामने आज भी आईपीएल 2023 को लेकर, इसके साथ ही आईपीएल की सभी 10 के 10 टीमों के रिगार्डिंग काफ़ी बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई हैं, जो कि अगर आप लोग क्रिकेट और आईपीएल के बड़े फैंस हैं तो फिर आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी चाहिए। लेकिन गाइस, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियोज़ की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के दिन की सबसे पहली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। और ये अपडेट निकल कर आ रही है जो रूट के रिगार्डिंग, जहां पर हमने आपको अपनी कल वाली वीडियो में बताया था कि किस तरीके से जो रूट का अब आईपीएल में रिटर्न हमें देखने को मिलने वाला है, इस बात की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। और अब जो रूट ने इस चीज को खुद ही फाइनलाइज कर दिया है, जहां पर इन्होंने कल बताया है डेली मेल के हवाले से कि ये आईपीएल 2023 में अपना रिटर्न करना चाहते हैं। दरअसल जो रूट ने कहा कि अब ओडीआई वर्ल्ड कप क्योंकि बहुत ही ज्यादा पास है और जिस तरीके के वो प्लेयर हैं, उनको ऐसा लगता है कि इस ओडीआई वर्ल्ड कप में वो इंग्लैंड की को एक और वर्ल्ड कप जिताने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसे में इनके अकॉर्डिंग आईपीएल में अगर ये आते हैं तो यहां पर इनको काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा और इसके साथ ही काफी अच्छे तरीके से इनको यहां के कंडीशंस के बारे में भी अंदाजा हो जाएगा। तो इन सब रीजंस की वजह से जो रूट आप लोगों को आईपीएल की नीलामी में अपना रिटर्न करते हुए नजर आएंगे। कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके आप लोग बताइए आप लोगों के अकॉर्डिंग आप लोग जो रूट को कौन सी आईपीएल टीम में देखना चाहते हैं। फिलहाल गाइस, हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की दूसरी बड़ी अपडेट के बारे में। और ये अपडेट निकल कर आ रही है केन विलियमसन के रिगार्डिंग, जहां पर केन विलियमसन को सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के द्वारा रिलीज कर दिया गया था, जहां पर इनका जो प्राइस था वो 16 करोड़ रुपए का था। तो ऐसे में उस प्राइस को ध्यान में रखते हुए एसआरएच की टीम के द्वारा इनको रिलीज किया गया था और उनके साथ ही इनकी जो करंट फॉर्म है वो भी काफी ज्यादा चिंता का सबब बनी हुई थी। तो ऐसे में अब केन विलियमसन के नीलामी में आने के बाद, क्योंकि करंटली हमें ट्रेड विंडो देखने को मिल रही है, तो ऐसे में बहुत सारी ऐसी टीमें हैं जो कि केन विलियमसन को ऑलरेडी नीलामी से पहले ही अपनी टीम में शामिल करना चाहती हैं। तो इस चीज के रिगार्डिंग आप लोगों को हमारे दिन की सेकंड वाली वीडियो देखने को मिलेगी, जहां पर हम आपको बताएंगे कि केन विलियमसन कौन सी आईपीएल टीम में सोल्ड आउट हो चुके हैं। फिलहाल गाइज, हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की तीसरी बड़ी अपडेट के बारे में। और गाइज, ये अपडेट निकल कर आ रही है आज होने वाले भारत और न्यूजीलैंड के बीच में तीसरे टी20 मुकाबले के रिगार्डिंग, जहां पर पहला टी20 मुकाबला बारिश के कारण धुल गया था। उसके बाद जो दूसरा टी20 मुकाबला है, वहां पर भारत की टीम ने बड़े ही आसानी के साथ न्यूजीलैंड की टीम को हरा दिया था। सूर्य कुमार यादव ने एक बहुत ही मेमोरेबल 100 इस टी20 मुकाबले में लगाया था। ऐसे में मुकाबला आज आप लोगों को दिन में 12 बजे से स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेगा। अगर आप लोग इस मुकाबले को फ्री में देखना चाहते हैं, सारी फ्री में अपडेट जानना चाहते हैं, तो आप लोग फटाफट डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पर आप लोगों को हम इस मुकाबले को दिखाने वाले हैं। तो अभी आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की चौथी बड़ी अपडेट के बारे में। और ये अपडेट निकल कर आ रही है एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम जो कि हमें देखने को मिली है, जहां पर हमें आईपीएल की नीलामी देखने को मिलने वाली है। दरअसल आईपीएल का ऑक्शन इस बार ये बताया गया है कि हमें जियो सिनेमा के ऊपर भी लाइव टेलीकास्ट होते हुए देखने को मिलने वाला है। और ना सिर्फ आईपीएल की नीलामी, बल्कि इसके साथ ही आईपीएल 2023 भी हमें जियो सिनेमा के ऊपर टेलीकास्ट होते हुए देखने को मिलने वाला था। लेकिन अब यहां पर जो सबसे बड़ी दिक्कत हमारे सामने निकल कर आ रही है वो यही है कि जियो सिनेमा के ऊपर अगर आप लोग टी20 वर्ल्ड कप, उसके बाद अगर आप लोगों ने देखा हो करेंटली जो हमारे सामने फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है जो कि कतर में हो रहा है, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग इसके ऊपर की जा रही थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग जो एक्सपीरियंस है वो यूज़र्स को देखने को मिला है, क्योंकि इसके स्क्रीन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीम बफर कर रही है। इसके साथ ही बहुत ही ख़राब क्वालिटी में इसके ऊपर मुकाबले दिखाए जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर इसके ऊपर आईपीएल की नीलामी होती है या फिर आईपीएल के मुकाबले हमें दिखाए जाते हैं, तो हम सभी लोग जानते हैं कि उस टाइम पर काफ़ी सारे लोग एक साथ मुकाबलों को लाइव देखते हैं, और ऐसे में उस टाइम पर इसके क्रैश होने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो ऐसे में अब दिक्कतें बढ़ चुकी हैं कि आईपीएल का ऑक्शन और उसके साथ ही आईपीएल के लाइव मुकाबले हमें किस तरीके से जियो सिनेमा के ऊपर दिखाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की पांचवी बड़ी अपडेट के बारे में। और ये अपडेट निकल कर आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व बल्लेबाज नारायण जगदीशन की तरफ से, जहां पर सीएसके की टीम ने जगदीशन को अपनी टीम से रिलीज कर दिया था इस साल, और उनको सीएसके की टीम में कुछ मौके भी दिए गए थे लेकिन उसमें वो ज्यादा खास नहीं कर पाए थे, जिसके बाद सीएसके की टीम ने इस बार नीलामी से पहले उनको रिलीज कर दिया। लेकिन उनको रिलीज करने के बाद अब नारायण जगदीशन जिस तरीके की फॉर्म में आ चुके हैं, उसको देखकर हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये इस आईपीएल की नीलामी में भारत के सबसे महंगे बल्लेबाज में बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। जहां पर सबसे पहले तो विजय हजारे ट्रॉफी में अपनी खेली गई लास्ट 5 पारियों में ये 5 शतक लगा चुके हैं, और विजय हजारे ट्रॉफी की किसी भी एक संस्करण में 500 लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन चुके हैं। ना सिर्फ इतना, बल्कि कल तो इन्होंने 277 रन की पारी खेली, जहां पर 277 रन की पारी खेलने के बाद अब इन्होंने रोहित शर्मा के लिस्ट क्रिकेट का भी रिकॉर्ड तोड़
खोल दिया, जहां पर रोहित शर्मा के नाम 264 रन दर्ज थे, लेकिन कल इन्होंने 141 के ऊपर 277 रन की पारी खेली और विजय हजारे में 6 पारियों में 800 रन बना चुके हैं, जिसमें इनकी औसत 160 की है। तो ऐसे में अब इस बार आईपीएल की नीलामी में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि इनके ऊपर काफ़ी हाई बिडिंग होने वाली है और कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने इनको रिलीज़ करके गलती कर दी है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हमारी आज के दिन की छठी बड़ी अपडेट के बारे में। और गाइस, ये अपडेट निकल कर आ रही है कुछ ऐसे प्लेयर्स के रिगार्डिंग जिन्होंने अपनी आईपीएल टीम के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर पेश की है, क्योंकि ये प्लेयर्स बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, या फिर इनमें से कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जो कि पहले हमें अच्छी फॉर्म में नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन अब वो अपनी फॉर्म में वापसी कर चुके हैं। तो इन प्लेयर्स की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आते हैं रजत पाटीदार, जहां पर विजय हजारे ट्रॉफी में रजत पाटीदार ने 29 गेंदों पर 50 रन की पारी खेली है और ऐसे में आरसीबी की टीम के लिए बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि अगर आप लोग डोमेस्टिक क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं तो पहले इन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बहुत रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी में ज्यादा अच्छा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फाइनली ये फॉर्म में आ चुके हैं। इसके बाद शाहबाज अहमद ने 28 गेंद पर 59 रन की पारी खेली है, ये भी आरसीबी की टीम में है। और उसके बाद राहुल त्रिपाठी भी बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, वैसे तो राहुल त्रिपाठी हमेशा ही अच्छी फॉर्म में रहते हैं, लेकिन इस बार फिर से विजय हजारे ट्रॉफी में राहुल त्रिपाठी बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, जहां पर इन्होंने लास्ट के 3 मुकाबलों में 3 सेंचुरीज भी लगाई हैं। तो इनकी टीम सनराइजर्स हैदराबाद के लिए भी बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हमारे आज के दिन की 7वीं बड़ी अपडेट के बारे में। और ये अपडेट निकल कर आ रही है भारतीय प्लेयर्स के विदेशी लीग में खेलने के रिगार्डिंग, जहां पर भारत के प्लेयर हमें सिर्फ आईपीएल खेलते हुए नजर आते हैं और हम सभी लोग जानते हैं कि बीसीसीआई आईपीएल में खेलने वाले जितने भी प्लेयर्स हैं उनको बिल्कुल भी परमिशन प्रोवाइड नहीं करती है किसी विदेशी टी20 लीग में खेलने की। और ऐसे में भारतीय टीम के टी20 वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल में हार के बाद भारत के हेड कोच राहुल द्रविड़ के द्वारा यह सजेशन दिया गया था बीसीसीआई को कि उनको भारत के प्लेयर्स को विदेशी लीगों में खेलने का मौका देना चाहिए। और अब ऐसे में बीसीसीआई के द्वारा इस बारे में बातचीत चल रही है कि क्या भारत के प्लेयर्स को बीबीएल में खेलने का मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि पीएसएल में तो वैसे भी बीसीसीआई भारत के प्लेयर्स को कभी भी नहीं भेजने वाली, लेकिन क्योंकि बहुत सारे ऐसे भारत के प्लेयर्स भी हैं जो कि आईपीएल खेलते हैं और वो चाहते हैं कि वो बीबीएल में जाकर खेलें और बीबीएल में जाकर वो कॉम्पिटिशन को सीखें, वहाँ पर और भी ज़्यादा अच्छा अपने गेम को इम्प्रूव करें। तो ऐसे में इन सभी रीजन्स के चलते हुए बीसीसीआई प्लान करेगी कि क्या बीबीएल में वो भारत के प्लेयर्स को भेजना चाहते हैं या फिर नहीं। कमेंट करके आप लोग बताइए कि आप लोगों के हिसाब से भारत के प्लेयर्स को विदेशी लीग में अगर खिलाया जाता है तो आपको लगता है कि उससे भारत का टी20 गेम इंप्रूव हो सकता है। फिलहाल गाइज हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की 8वीं और आखिरी अपडेट के बारे में। और गाइज ये अपडेट निकल कर आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के रिगार्डिंग, जहां पर हम आपको चैनल के ऊपर लगातार इन्फॉर्मेशन देते हैं कि सीएसके की टीम केन विलियमसन को टारगेट करने वाली है इस आईपीएल की नीलामी के लिए। लेकिन अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही है सीएसके की साइड से कि पहले तो ये केन विलियमसन के ऊपर बिडिंग करने वाले हैं, क्योंकि केन विलियमसन को अपनी टीम का कैप्टन बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई और टीम ऑक्शन में बहुत ज़्यादा हाई बिडिंग कर लेती है केन विलियमसन के ऊपर तो फिर सीएसके ने अपना बैकअप भी तैयार कर लिया है और ये टीम मयंक अग्रवाल के पीछे आप लोगों को बिडिंग करते हुए नजर आएगी, क्योंकि मयंक अग्रवाल एक इंडियन प्लेयर हैं और उसके साथ ही वो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग भी कर सकते हैं और वो एक कैप्टनसी मटेरियल भी हैं, क्योंकि लास्ट आईपीएल में इन्होंने कैप्टनसी की थी। तो ऐसे में सीएसके की टीम मयंक अग्रवाल को अपनी टीम का नया कैप्टन बना सकती है। तो गाइस ये वीडियो ही तक थी, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।